परमेश्वर की महिमा। अगला पॉइंट है प्रभु से प्रेम रखना। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो वो भी क्या करेगा, आपसे प्रेम रखेगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर भी आपसे क्या रखेगा, यदि आप ही परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम नहीं रखेगा। हालेलुया। अपने घर में देखो, यदि आप अपने परिवार से प्रेम रखते हो तो वो भी आपसे प्रेम रखेंगे, आप नहीं रखते वो भी आपसे हॉट करेंगे। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लुक का सातवां अध्याय और 36 वचन से लेकर लिखा है, यीशु मसीह एक फरीसी के घर में खाना खाने के लिए बैठा। एक महिला आई, व्यभिचारिणी स्त्री थी, वो वैश्या थी। यीशु मसीह के ऊपर क्या उडेला, इत्र उडेला, उसके पैरों को अपने आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से वो उसको पोंछने लगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जा, तूने मुझसे बहुत प्रेम किया, इसी तरह ज्यादा पाप क्या हो गए, माफ हो गए। हालेलुया। जिसके घर में खाना खाने बैठा उससे प्रभु कह रहा, तूने कम प्रेम किया मुझसे। उसने कहा, क्यों, कि मैं तेरे घर में आया, तूने पांव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया मेरे को, यार तूने कैसा प्रेम किया। लेकिन ये देख, मैं इसके घर में नहीं गया, जो तेरे घर में आ गई मेरे पीछे पीछे, आंसुओं से मेरे पैर धोरी, तूने पानी से नहीं धोया, ये आंसुओं से धोरी मेरे पैर। हालेलुया। तूने मुझे चुमा नहीं, तो कोई प्रेम करता है ना किसी को भी, क्या करता है, चुमता कि नहीं चुमता, अपने बच्चे को प्रेम करते हो उसको चुमते कि नहीं चुमते, अरे हाँ बोलो कि ना बोलो भाई। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे चूमा नहीं, लेकिन मैं जब से तेरे घर में आया हूँ, खाना खाने बैठा, ये महिला मेरे पैर को चूमती चूमती नहीं थक रही है, ये छोड़ नहीं रही मेरे पैर। हालेलुया। इसीलिए इसके ज़्यादा पाप थे, ज़्यादा माफ है, क्यों, क्योंकि इसने ज़्यादा प्रेम किया। तूने कम प्रेम किया, इसने ज़्यादा प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। 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 यदि आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखोगे तो परमेश्वर भी आपसे, अभी अभी हमने आपसे पूछा कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, तो सबने अपने हाथ खड़े कर दिए, किए कि नहीं किए, किए कि नहीं किए, लेकिन आपका प्रेम थोड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। आपका प्रेम कैसा है, थोड़ा, ज्यादा प्रेम करो। हालेलुया। हालेलुया। क्या करो, परमेश्वर भी क्या करेगा, जितना प्रेम आप परमेश्वर से करोगे उतना ही प्रेम परमेश्वर करेगा। आप ज्यादा प्यार करोगे परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करेगा। हालेलुया। आप थोड़ा प्यार करोगे परमेश्वर भी थोड़ा प्यार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आप परमेश्वर के लिए थोड़ा खर्चा करोगे परमेश्वर भी आपके लिए थोड़ा खर्चा करेगा। हालेलुया। क्यों, प्रभु कहता है, अरे अपनी बेटी की शादी में तो बहुत डीजे बजाते हो तुम, हालेलुया, बहुत लंबा टेंट लगवाते हो, रात की शादी में बहुत डेकोरेशन कराते हो, हालेलुया, मेरे लिए क्या। हालेलुया। किससे प्रेम करो तुम, अपनी बेटी से ज्यादा, मुझसे कम। हालेलुया। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो परमेश्वर भी आपसे उतना ही प्रेम रखता है। देखो अपने आप को, आप किसी की एक बात मानते हो तो आप जिसकी आपने एक बात मानी वो भी आपकी एक ही बात मानेगा, आप दो मानोगे तो वो भी दो मानेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा। हालेलुया। आप एक बार किसी के घर जाओगे तो वो भी आपके घर एक बार आएगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आप परमेश्वर से जितना जितना प्रेम रखोगे परमेश्वर भी आपसे उतना ही प्रेम रखेगा। आप परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ोगे तो परमेश्वर भी आपके लिए सब कुछ उड़ेल देगा,
लो उठा लो। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है उत्तरांचल और यूपी, हालेलुया दो स्टेट, हालेलुया कहीं वो काम नहीं जो काम यहाँ पर, आप नहीं जानते, अब यूट्यूब देख सकते हो। हालेलुया क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ प्रभु के लिए उडेल दिया, तो प्रभु ने क्या किया, ले उठा ले। हालेलुया हालेलुया। आप सब कुछ न्योछावर नहीं करोगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर भी सब कुछ नहीं करेगा आपके लिए अर्पण। हालेलुया आपको नहीं देगा वो, आप बचा के रखोगे तो परमेश्वर भी आपसे नंबर एक का है। हालेलुया आप जितने होशियार हो ना, परमेश्वर भी आपसे नंबर एक का होशियार है। कोई बचा के रखेगा? हाथ का तो ठीक कर देगा, पैर का नहीं करेगा, वो बचा के रखेगा वो आपको। हालेलुया आशीष बचा के रखेगा वो। हालेलुया लेकिन सब कुछ आप छोड़ दोगे परमेश्वर के लिए, निछावर करोगे प्रभु के लिए, तो परमेश्वर भी सब कुछ क्या करेगा। हालेलुया ऐसा ही परमेश्वर का और आपका हमारा क्या है, रिश्ता है। हालेलुया उससे भी अटूट रिश्ता। परमेश्वर के लिए हम जो करते हैं ना वो फेल नहीं होता, वो पास ही होता है। हालेलुया परमेश्वर की महिमा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और सब कुछ निछावर करने की क्षमता रखते हैं तो परमेश्वर भी आपका आज खोल देगा आपके लिए। मैंने कहा वो आज ही खोल देगा। हालेलुया और आपको वो हर चीज देगा। इसीलिए मत्ती 6:33 में लिखा है, तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं जिनकी तुम खोज में रहते हो ना, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे ये मिल जाए, अरे प्रभु कहता है ले तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर को पता है तुम्हारी जरूरत क्या है, कल तुम क्या खाओगे क्या बनाओगे आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है, वो एडवांस में आपको देगा। हालेलुया लेकिन कब? जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे। जैसा आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे परमेश्वर वैसे ही आपसे क्या रखेगा, आप ज्यादा प्रेम करोगे परमेश्वर भी आपसे ज्यादा प्रेम करेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, यीशु मसीह ने फरीसी से कहा कि देख मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने कम प्रेम किया इसलिए तेरे कम पाप क्षमा हुए, लेकिन इसने ज्यादा प्रेम किया इसलिए इसके ज्यादा पाप क्या है, क्षमा हो गए। हालेलुया इसलिए सबसे ज्यादा हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया सब कुछ परमेश्वर के लिए। आज वो क्या हो रहा है बता आपको, बोलते रसौली कांटे कैसे जा रही है, क्योंकि तो सब कुछ परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया। हालेलुया समर्पण कर दिया। प्रभु ने कहा जो तू बोलता जाएगा मैं सब कुछ करता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। रीजन यही है, बोएंगे नहीं तो काटेंगे भी नहीं। हालेलुया बचा के रखेंगे अपने लिए, बेटे की शादी में लगाएंगे, मकान में लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे, तो प्रभु भी बचा के रखेगा। मैं दूसरों को दूंगा भाई, इसको नहीं दूंगा यार, क्योंकि इसने बचाया है मैं भी बचाऊंगा। हालेलुया क्योंकि लिखा है जैसे तेरी आँख है, शरीर की आँख, शरीर का दिया क्या है, आँख, शरीर का दिया तेरी आँख है, वैसे संसार है। अच्छी आँख है तो अच्छा संसार है, बुरी आँख है तो बुरा ही संसार है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की महिमा। चोरी करने वाला है तो सामने वाला भी यार ये भी कहीं चोरी ना हो यार मेरी तरह। हालेलुया परमेश्वर की महिमा। हालेलुया हालेलुया। प्रकाशन वाक्य 2 अध्याय और वचन 4-5 में लिखा है, प्रेम को बढ़ाना कम नहीं करना। प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है कि मैं तेरे काम को, तेरे जो तू काम करता है सबको मैं जानता हूँ परखता हूँ, तूने तब क्या क्या किया, लेकिन तूने पहला से प्रेम क्या कर दिया, छोड़ दिया। स्मरण कर, याद कर, याद कर, याद कर, तू कहाँ से गिरा, पहले के समान प्रेम कर, ज्यादा प्रेम कर तो मैं तुझे ज्यादा ही दूंगा। हालेलुया परमेश्वर की महिमा। इसलिए सबसे ज्यादा तू अपने परमेश्वर यहोवा से ही क्या कर, प्रेम रख। हालेलुया क्योंकि वही तो तेरे जीवन का आधार है। हालेलुया जब वो ही नहीं है तो जीवन भी नहीं है। हालेलुया परमेश्वर की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन सब कुछ आपसे है, जैसा आप सोचते वैसे परमेश्वर सोचता है।
आप सोचते हो कि एक बार जाऊंगा ठीक होऊंगा, ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर भी कहता है अरे एक बार आ रहा है आनंद, अरे गीत गाएगा नाचेगा तो ठीक है, गीत गाएगा नाचेगा ताली बजाएगा वचन सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो अपने आप चला जाएगा, ऐसे से आया है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया 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 हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यदि जो मैंने आज आपको पॉइंट बताए हैं यदि आप अपने जीवन में धारण करोगे तो मैंने कहा परमेश्वर की आप निज प्रजा ठहरोगे, निज परमेश्वर की आप निज प्रजा ठहरोगे। जिस तरह उसने इज़राइल को कहा कि तू मेरी निज प्रजा है, रात को ठंड लगती थी उनको, 40 साल तक एक कपड़े में एक जोड़ी चप्पल में रहे वो, 40 साल तक ना तो जूते टूटे उनकी ना कपड़े उनके खराब हुए, क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनकी सहायता करता था, रात में भी दिन में भी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, क्योंकि वो उसकी निज प्रजा थी, निज गर्मी नहीं लगती थी उनको क्योंकि वो उनकी निज प्रजा थी, ना रात को ठंड लगती थी क्योंकि परमेश्वर की क्या थी वो निज प्रजा, क्योंकि परमेश्वर से जो मैंने आज आपको पॉइंट बताए यदि आप उनको मनन करोगे उन पर और उनको जैसा बताया वैसा करोगे, परमेश्वर का आत्मा कहता है इनको वचन को सुनने और करने के द्वारा आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा गारंटी के साथ, 101% गारंटी के साथ आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जैसे आप हो ना ऐसे नहीं रहोगे, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा किया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 91 में कि तूने जो मुझसे प्रेम किया, तूने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं तुझको छोड़ाऊंगा और तुझको ऊंचे पे रखूंगा, तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, तुझको ऊंचे पे रखूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा मुझसे पहले 10 साल पहले लोग सेवा कर रहे हैं, मुझसे पहले मेरे को भी 8 साल हुए, 9 साल। हालेलुया, इसको 20-20-30-30 साल हो गए सेवा करते करते। हालेलुया, उनके पास वो काम नहीं है जो यहाँ पर है, आप देख रहे हो। हालेलुया, क्यों? आखिर रीजन क्या है? रीजन है कि सब कुछ हमने परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया, प्रभु ये भी सब कुछ तेरा काम है, हालेलुया, बाद में बाद और लोगों का काम है, पहले तेरा काम है। हालेलुया, सब कुछ यदि आप भी परमेश्वर के सब कुछ करोगे तो परमेश्वर भी आपके लिए सब कुछ करेगा, रसौली क्या, गांठे क्या, पथरी क्या, ये क्या, वो क्या, सब कुछ, आपकी टेंशन क्या, आपका घर क्या, आपके बच्चे क्या, सब कुछ धन्य करेगा परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि लिखा है प्रकाशित वस्तविकरण में 28वें अध्याय में कि धन्य है तू यदि तू मेरी विधियों को माना करे, मेरे नियमों को माना करे और मेरी व्यवस्था पर चले, तो धन्य है तेरी बेटी तेरा बेटा, धन्य तेरी संतान तेरी भेड़ बकरी तेरे रिश्तेदार, सब धन्य होंगे। धन्य हो तू आते समय, धन्य है तू जाते समय, धन्य है तू और तेरी कठौती, धन्य है तेरे खेत और तेरी खेत की उपज। लोग हमसे कहते हैं कि तुम अपने खेत में क्या डालते हो, इतनी फसल अच्छी हो रही, क्यों? हमने कहा हम बोते हैं परमेश्वर के लिए, इसलिए वो भी आशीष से भर देता है। आप बोलोगे होता जाएगा, लेकिन जब प्रेम नहीं करोगे परमेश्वर से, जितना भी प्रेम रखोगे आप परमेश्वर से उतना ही परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा। आप सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखो, परमेश्वर भी आपसे सबसे ज्यादा प्रेम रखेगा। आपके मोहल्ले वाले कहेंगे, आपसे चिढ़ेंगे वो, अरे क्या हो रहा है इसको, ये तो फलता जा रहा है, ये तो फूलता जा रहा है। हालेलुया, कौन सी चक्की का आटा खा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, क्यों? क्योंकि यहोवा संभालता है, और जब वो ऊंचा करता है ना, जब ऊंचा करता है ना, तो लोग देखते जाते हैं कि यार हम तो ऊंचे हो नहीं, ये कैसे ऊंचा हो गया। परमेश्वर की महिमा, आज यही है सब लोगों की, सब जगह यही सिस्टम। हालेलुया, लेकिन मैंने कहा अपने आप को चेंज करो, परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दो, अरे परमेश्वर भी आपके लिए सब कुछ निछावर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। कितने लोग भी आज वचन सुन में आ रहे हैं? आ रहे कि नहीं आ रहे? हालेलुया। हाथ तो सभी उठा देते हैं, कितने आ रहे हैं प्रभु जानता है। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो? रखते कि ज्यादा कम? वो अपने हाथ खड़े करके जो सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सबसे ज्यादा। और सबसे कम वाले? हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा प्रेम दिखाना पड़ता है, होता कि नहीं होता? यदि आप अपने बच्चों से प्रेम रखते हो, दिखाना पड़ेगा। परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर कहते दिखाओ प्रेम अपना, दिखाओ। बच्चों से प्रेम रखोगे तो जब बाजार जाओगे तो ध्यान रखोगे कि केले लेके आने, लेके जाने बच्चों के लिए, सेब लेके जाने। यार बच्चे ध्यान है ना, बच्चों का ध्यान करना भाई। हालेलुया। रिश्तेदारों से प्रेम रखोगे तो उनके शादी में अच्छा गिफ्ट लेके जाओगे, जैसा प्रेम रखोगे वैसा गिफ्ट लेके जाओगे। हल्का प्रेम रखोगे तो हल्का गिफ्ट लेके जाओगे, ज्यादा प्रेम रखोगे तो भारी वाला गिफ्ट लेके जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर भी देखता है आपके प्रेम को, दिखाओ कितना प्रेम रखते हो तुम उससे, दिखाओ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे लिए छोड़ेगा कुछ भी वो 100 गुना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 100 गुना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप संडे चर्च आए हो, अपनी मजदूरी छोड़ के आए हो, 100 गुना मिलेगी आपको। आमीन। 100 गुना मिलेगी आपको। आमीन। आप अपने काम नहीं किया आज के दिन, 100 गुना आपको मिलेगा। हालेलुया। आप ये ना कहना कि अरे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। परमेश्वर 40 साल तक इस्राएलियों को काम करने नहीं दिया, कुछ काम नहीं करते थे इजराइल लोग। 40 साल तक आकाश से मन्ना गिरा और वो खाते थे, हर रोज का खाना हर रोज गिरता था आकाश से और वो लोग खाते थे। वो आपको नहीं खिलाएगा? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मैंने कहा जो भी आप परमेश्वर ये छोड़ोगे परमेश्वर आपको 100 गुना देगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि छोड़ना नहीं चाहते लोग अपना टाइम खराब करना नहीं चाहते, प्रभु के साथ रहना नहीं चाहते। हालेलुया। जब देर से आते हैं जल्दी जाना चाहते हैं, अभी भी जल्दी जल्दी 3 बजने वाले हैं, जल्दी चलो। हालेलुया। घड़ी की तरफ ध्यान कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी आपके पास आएगा ना, वो भी पता क्या कहेगा, अब जल्दी कर मेरे पास टाइम नहीं है। हालेलुया, जल्दी कर मेरे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। यदि आप भी परमेश्वर के पास बैठ के भूल जाओगे टाइम, तो परमेश्वर भी आपके पास बैठ के भूल जाएगा कि मुझे कहीं और भी जाना है। हालेलुया, वो आपके पास रहेगा। यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में कि मैं हर एक का दरवाजा खटखटाता हूँ और जो मेरा दरवाजा खटखटाने से अपना द्वार खोलेगा, मैं और मेरा पिता दोनों उसके साथ रहेंगे, उसके साथ खाएंगे पिएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। लेकिन लोग काम छोड़ना ही पसंद नहीं करते। हालेलुया, तो परमेश्वर अपना काम कैसे छोड़ेगा? और भी तो लोग हैं, उनको चंगा करेगा वो। हालेलुया, और भी तो लोग हैं, उनको आशीष देगा वो। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मैंने कहा जिससे जैसा आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो वैसा ही परमेश्वर आपसे क्या रखता है, प्रेम रखता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया।